पलटू रात से वो लोग हैं जो कहते थे कि सब कुछ भी हो जाए नाक रगड़ेंगे लेकिन उनको नहीं दूंगा। हमारे माननीय गृह मंत्री देश के इतने बड़े जाने माने पहचाने हुए और खासकर जिनको कई लोग चाणक्य की संज्ञा देते हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी और पीएम मोदी को मात देने के लिए बने इंडी गठबंधन का अभी ठीक से गठन भी नहीं हुआ था कि वो टूट गया। जिन्होंने पहल करके इसे बनाने की कोशिश की थी वही पिलर छिटक गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पाला बदल करके एनडीए में चले गए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए, नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें कोई पलटू राम तो कोई पलटू कुमार कह रहा है। हरियाणा का किस्सा है आया राम गया राम का, उसी से तुलना की जा रही है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे आजकल टीएमसी में है, आसनसोल से सांसद हैं, उनका अलग ही इंटरप्रिटेशन है। वो कह रहे हैं कि पलटू राम नीतीश नहीं, वो लोग हैं जो कह रहे थे कि दरवाजे और खिड़की उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। नहीं, देखिए मैं नीतीश के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, इतना ही बोलूंगा कि जो लोग कह रहे हैं पलटू राम ये वो, मैं कहूँगा पलटू राम कौन है। सही मैं पलटू राम वो लोग हैं जो कहते थे कि पगड़ी नहीं उतारूंगा और जब तक ये नहीं हुआ पलटू राम से वो लोग हैं जो कहते थे कि सब कुछ भी हो जाए नाक रगड़ेंगे लेकिन उनको नहीं दूंगा। हमारे माननीय गृह मंत्री देश के इतने बड़े जाने माने पहचाने हुए और खासकर जिनको कई लोग चाणक्य की संज्ञा दे रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा कैसी क्या मजबूरी थी या वोट बैंक का ध्यान रखा था कि क्या आपको लगा कि शायद अयोध्या का इम्पैक्ट उसे ऑल इंडिया में तीन चार दिन के बाद मीडिया के प्रचार प्रसार के बावजूद अब चुनाव की घड़ी आ रही है, अब वो आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव का होगा, उसका आचरण उसका व्यवहार उसका स्टेटमेंट कितना सुधरा हुआ कितना बढ़िया से आज तमाम लोगों का तमाम लोगों की सम्मति आज तेजस्वी यादव के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा को शॉर्ट गन भी कहा जाता है, उन्होंने एकदम कटाक्ष किया है और बीजेपी को घेरा है। सवाल ये है कि इससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा। कांग्रेस कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जरा सा दबाव पड़ा नीतीश कुमार भाग खड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिलबिलाहट तो है। शत्रुघ्न सिन्हा जो कह रहे हैं उसमें भी दम है कि जो बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़कियां सब बंद है वही बीजेपी आखिरकार क्यों उन्हें गले लगाने को तैयार हो गई। बीजेपी बिहार यूनिट के नेता किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं थे। कई दिनों तक मान मनोवल का दौर चला, सम्राट चौधरी से लेकर के विजय सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया, कहा गया कि वक्त की जरूरत है, लोकसभा चुनाव सामने है, बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटी मोटी बातों को भूलना पड़ता है। बीजेपी का अल्टीमेट टारगेट तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लिए नीतीश कुमार को साथ लिया है, कब तक साथ रहेंगे पता नहीं। दोनों का जब स्वार्थ सध जाएगा तो हो सकता है कि उनमें से ही पहले कोई बोल दे बाय बाय। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की माने तो इससे सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने रोजगार की दिशा में भी काम किया और आईटी के थ्रू उसका पूरा प्रचार प्रसार भी कराया है। यदि निजी तौर पे बात करें तेजस्वी यादव की तो नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सधा हुआ बयान दे रहे हैं, लालू कुछ बोल नहीं रहे हैं, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, तेजस्वी यादव बैलेंस बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।